आपने हर तरह के बोला, आपने सूखा तरह काट के दिखाया सर, ये देखिए सर आप वीडियो में कितनी शानदार कटिंग की है सर मशीन जी, बिल्कुल देखिए सर आप, ये सूखा चारा बिल्कुल सूखा चारा था, हमने इसको बिल्कुल काट के दिखाया है सर। तो किसान भाई सूखे चारे को भी काट सकता है, गीले चारे को भी काट सकता है, गन्ना मक्का नेपर का कुछ भी हो सर। दोस्तों नमस्कार, आपका अपना मैं निरंकार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल तेजस्वी किसान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों एक शानदार वीडियो आज आपको मैं दिखाने वाला हूं। आया हूं मैं राम एग्रो इंडस्ट्री अजमेर के अंदर और तहसील पड़ती है इनकी केकड़ी। दोस्तों आज मेरे सामने आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार 2022 मॉडल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस ये चाप कटर कुट्टी मशीन आप बोल सकते हैं। दोस्तों पुरानी चाप कटर में आपने देखा होगा हमारी माताओं बहनों के हाथ कटने का काफ़ी खतरा रहता था, जिसमें क्या वो अपने हाथों को छीण कर चुके हैं, और उनके लिए दोस्तों बहुत ही शानदार ये मशीनें हैं, उनका हाथ जाने का कोई खतरा इसमें नहीं। दोस्तों जमाने के साथ में हमें भी बदलना होगा, पुराने ज़माने में टोका मशीन चलती थी हाथ वाली, आजकल दोस्तों आ गई हैं बिजली से चलने वाली ट्रैक्टर माउंटेड वाली हर तरह की मशीनें। आपको मेरे सामने आप 5 मॉडल देख रहे हैं, मैं आपको यहां दिखाऊंगा। कंपनी के मालिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार भैया जी। नमस्कार सर। हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, अपना छोटा सा परिचय, अपनी कंपनी का परिचय कराइए। मेरा नाम राकेश चौधरी है जी, और मेरी कंपनी का नाम राम एग्रो इंडस्ट्रीज केकड़ी अजमेर राजस्थान के अंदर है जी। अब सर हम बात करते हैं आपके, ये मैंने शुरुआत में कहा कि जो पुराने जमाने में टोका कुट्टी मशीनें होती थी उनके मुकाबले आपकी इसमें क्या खासियत है, मेरे किसान भाइयों को बताइए। सर हमने जो मॉडल तैयार किया है जी, ये बहुत ही हेवी ड्यूटी मॉडल है जी। इस मॉडल के अंदर हमने गियर बॉक्स भी लगाया है जी, लोहे की प्लेट लगाई है और स्टील वाले ब्लेड लगाए हैं, और स्टील वाला ही हमने गियर यूज किया है। स्टील वाले ब्लेड में क्या उसमें खूबी होती है बताइए। सर स्टील वाला ब्लेड जो होता है वो लॉन्ग टाइम चलता है। अच्छा, उसमें धार लगाने की समस्या भी नहीं आती है बार बार। कितने समय तक चल जाता है सर वो? लगभग 6 साल तक ये ब्लेड कभी खराब नहीं होगा सर। अच्छा, इसमें किसान भाई फसल के जैसे सूखा चारा काटता है गीला चारा काटता है तो महीने में एक बार धार लगा सकता है, उसको आराम से यूज कर सकता है। सर मेरे उत्तर प्रदेश के अंदर और हरियाणा के अंदर बिहार के अंदर भी पुराली काटते हैं, वो धान वाली सूखी बिल्कुल, उसमें कुछ हरा चारा मिक्स करते हैं, क्या उसे काट पाएगी ये? बिल्कुल सर। अच्छा, मशीन गन्ना भी काटेगी, नेपियर घास जो होती है वो भी काटेगी। नेपियर घास तो काफी कड़ी होती है। बिल्कुल सर, नेपियर घास भी काटेगी सर। अच्छा, कोई दिक्कत आने वाली? बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी सर जी। अब ये मैं बात करता हूँ सर, जैसे कि आपकी ये देख पा रहे हैं मेरे पास डेयरी फार्मिंग है, मान के चलो आप तो कितने मेरे पास मान के चलो 100-150 पशु हैं, क्या उनपे कवर कर पाएगी ये? बिल्कुल सर, कितने बड़े डेयरी फार्म हो उसके लिए हमने ये लेटेस्ट मॉडल निकाला है, और किसी किसान भाई के पास 100 से ऊपर जानवर भी हो तो ये मशीन आराम से काम करेगी सर। अच्छा, लगभग जो है 1 घंटे के अंदर कितना चारा निकालेगी ये? सर ये कम से कम 2000 किलो चारा कूट देगी सर। चारे की क्वालिटी क्या होगी सर? सर चारे की क्वालिटी लगभग 8 mm से 10 mm, और अच्छा, आप बारीक करना चाहो और उसमें हम सेटिंग दे रखी है हमने, आप वो सेटिंग कीजिए आपका चारा और बारीक हो जाएगा सर। अच्छा अच्छा। अब सर जैसे कि आपकी ये बेल्ट वाला सिस्टम दिया गया है, बिल्कुल, तो ये इसमें मोटर कितने एमएम की है और कितने हॉर्स पावर की मोटर आपने इसमें लगाई है? सर इसमें हमने 3 HP की मोटर लगाई है। अच्छा, ओरिजिनल ISI मार्के वाली मोटर है और 140 mm का इसका रोटर है सर जी, कॉपर में जी। जैसे कि मेरे किसानों का घरेलू कनेक्शन होता है, क्या उस पे चल पाएगी? कमीशन से लेना पड़ेगा? बिल्कुल सर, सिंगल पेस 3 HP की मोटर है ISI मार्के की जी, और इस रोटर के अंदर 140 mm का इसका रोटर है कॉपर के अंदर जी जी। अब सर मैं बात करता हूँ, जैसे क्या ये काफी अच्छी लग रही है मशीन, ये इसमें वेट वगैरह कितना होगा? सर विद मोटर अगर अपन वेट की बात करें या विदाउट मोटर वेट की बात करें जी, तो सर ये मशीन 160 किलो से 170 किलो के बीच के इसका वेट है विदाउट मोटर। अच्छा, अब बात करते हैं सर, जैसे कि मैंने काफी टोका मशीनें देखी हैं, उनमें क्या होता है कि जो है उनमें दिक्कत आती है सर बैरिंग की, बैरिंग क्या अपना आप कौन सा लगाते हैं और किस प्रकार से बैरिंग चलता है अपना सर, कितने समय तक? ये बैरिंग सर लाइफ टाइम चलेगा अगर आप इसमें टाइम से ग्रीस करते हो जी। हमने जो बैरिंग यूज किए हैं वो किए 6307 के जी, और 40 mm की इसकी सापट है। अच्छा, तो सर जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं इसमें हाथ भी वगैरह नहीं जाएगा हमारा, और ये बताइए ये सिस्टम क्या है, कैसे ये काम करती है मशीन? सर शुरुआत करते हैं हेड से। ये जो हेड है जी 8.5 इंच का इसका हेड है। अच्छा, और पीछे एक रोलर लगा हुआ है जी। इसका फायदा ये मिलेगा सर कि चारा यहीं तक आपको पकड़े रखना है, उसके बाद आपको छोड़ देना है। अच्छा, मशीन ऑटोमेटिक चारे को अंदर खींच लेगा। अच्छा, इससे किसी किसान भाई के हाथ आने की समस्या नहीं आएगी। अच्छा, बात करें इस गियर बॉक्स की जी, गियर बॉक्स का क्या काम है जी? मान लीजिए चारा आपने एक साथ ज्यादा दे दिया, तो अगर मान लीजिए अगर चारा आगे फंसता है जी, तो आप उसको गियर के द्वारा रिटर्न कर सकते हो। मान लीजिए कभी कोई कपड़ा वगैरह कोई हाथ वगैरह आने डर रहता है, माता बहनों हमारी जैसे काटती हैं बिल्कुल जी, तो गियर के माध्यम से आपको उसको रिवर्स करके उसको वापस बाहर निकाल सकते हो।
जैसे हमारा गुज्जा लग गया या कुछ हमारा कपड़ा चला गया तो वापस कर सकते हैं? बिल्कुल रिटर्न कर सकते हो, अभी गियरबॉक्स लगा हुआ है इसमें, तो बिल्कुल मतलब दुर्घटना होने की कोई चांसेस तो है ही नहीं फिर तो? बिल्कुल सर, जो बड़ा मॉडल आता है ट्रैक्टर का, ट्रैक्टर माउंटेड मोटर, ये सेम वही मॉडल है, इसका छोटा रूप है सर। अच्छा, और सर जैसे मैं स्प्रिंग देख पा रहा हूँ, ये किस काम में आती है, क्या काम करती है? ये टेम्पर्ड स्प्रिंग इसमें लगे हुए हैं, हेड के ऊपर लगी हुई है। अच्छा, कहने का मतलब अगर आप कम चारा भी देते हो तो चारा आसानी के साथ जाएगा और चारे में चूसे नहीं आएंगे। अच्छा, कटिंग अच्छी होगी सर जी। अब सर मैं मुझे जो इसकी जो ब्लेड वगैरह दिखाइए, किस प्रकार से ब्लेड है इसके? अब जब सर जैसे कि मैं इसके ब्लेड देख पा रहा हूँ, ये किस प्रकार से है, क्या बोला जाता है इन्हें जो है? सर ये 8 mm का ब्लेड है, 13 inch इसकी लंबाई है जी जी, और 8 mm इसकी मोटाई है जी। ये स्टील वाला ब्लेड है। अच्छा, और ये ब्लेड लगभग 6 साल तक किसान भाइयों को किसी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं देने वाला है। अच्छा, कोई दिक्कत इसमें आने वाली? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, बात करें अपन व्हील की, कितने ब्लेड होते हैं सर इसके अंदर? सर इसमें हमने 3 ब्लेड लगाए हैं। अच्छा, जो हमारे पास दूसरे भी मॉडल है उसमें 2 ब्लेड का भी है जी। सर सबसे बड़ा मॉडल है 3 ब्लेड का। अच्छा, आप बता रहे थे सर, कुछ बताइए और। जैसे ये इसमें गियरबॉक्स दिया गया है, गियरबॉक्स है मशीनों के अंदर मेन चीज होता है गियरबॉक्स। हमारे जो गियरबॉक्स है उसमें मेन चीज होती है बेरिंग, गियरबॉक्स के अंदर जो लगते हैं बेरिंग। बिल्कुल, बहुत से गियरबॉक्स में क्या होता है सर, अंदर बेरिंग फिट करते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए अगर बेरिंग खराब हो गया जी अंदर वाला, तो रिप्लेस करने में बहुत समस्या आती है। अच्छा, हमने क्या किया है कि जो बेरिंग सिस्टम जो हमने बाहर किया है, इसमें 3 बेरिंग बाहर लगे हुए हैं, 3 बेरिंग अंदर की साइड लगे हुए हैं। अच्छा, अंदर कोई बेरिंग नहीं है सर। अच्छा, अगर मान लीजिए भविष्य में कभी भी 10 साल बाद कभी भी कोई दिक्कत आती है, अगर बेरिंग टूटता है भविष्य में, वैसे मैन्युफैक्चरर में कोई दिक्कत आएगी नहीं जी, हम बता रहे हैं जी, तो इसमें किसान भाई 4 नट खोल के आसानी से इसको चेंज कर सकता है। अच्छा, अब सर जैसे कि मैं इसमें चैन सिस्टम दे पा रहा हूँ। बिल्कुल सर, जैसे चैन सिस्टम में इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली सर? हमने जो है ये जो पीछे चैन लगी हुई है जी, ये गियरबॉक्स से आ रही है चैन जी, तो इसको सेफ्टी के लिए हमने सेफ्टी कवर भी लगाया हुआ है। अच्छा, और ये बुलेट चैन जो बुलेट गाड़ी आती है जी, उसकी चैन है सर ये। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं होगी सर? अच्छा अच्छा, अब सर मैं बात करता हूँ इसके, मैंने और कुट्टी मशीनों के अंदर चाप कटर में ऐसा व्हील नहीं देखा इतना भारी वाला, सर इसका देने का क्या कारण रहा इतना भारी? सर हमने ये 20 mm मोटा व्हील दिया है जी, और 20 इंच की लंबाई है जी। सर मोटा व्हील देने का ये कारण है कि झटका नहीं लगे और कभी भविष्य के अंदर एंगलों में या ब्लेडों में कभी बेंड नहीं आए। अच्छा, इसका मेन पर्पस सर ये है, और दूसरी बात सर मशीन चलने में लोड नहीं पड़ेगा मोटर पे, मेन बात ये है सर जी। जितना भारी व्हील होगा उतनी मोटर आसानी से चलेगी और मशीन बिल्कुल स्मूथ चलेगी सर। अब सर ये बताइए जैसे कि इसमें ये कट जो दिए गए हैं, ये क्यों दिए गए हैं सर? ये सर एक कट इसलिए दिए हुए हैं कि जो चारा कट के नीचे गिरेगा तो ये कट की वजह से चारा एक दूसरे तरफ घूमता रहेगा। अच्छा, जिससे मोटर पे बिल्कुल लोड नहीं पड़ेगा सर। जी जी जी, इसलिए सर हमने कट दिया है। अच्छा, अब सर देखो जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसका चारा जो गिरेगा वो प्रेशर से गिरेगा या आराम से गिरेगा, थोड़ा सा बताइए। ये सर ब्लोअर मॉडल है ये, इसमें चारा सर दूर जाएगा थोड़ा सा बस। बिल्कुल। अच्छा, और एक मुंह इसका ऊपर का है, एक मुंह इसका नीचे का, दोनों मुंह यूज कर सकते हो सर। मतलब जो एक मुंह यूज नहीं करना चाह रहे थे दूसरा मुंह यूज कर सकते हैं। जैसे हमने अभी इसको बंद कर रखा है तो इसमें चारा बिल्कुल नीचे निकलेगा। अच्छा, नीचे निकल जाएगा। किसान भाई को ऊपर चारा निकालना है तो इस ढक्कन को निकाल के नीचे वाले मुंह को बंद कर दो। अच्छा, बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, बताइए क्या रहने वाला है? सर ये जो सबसे हेवी मॉडल है जी, 20 mm मोटा व्हील है, 8 mm का ब्लेड, ब्लोअर मॉडल, हमने इसमें 3 HP की मोटर लगाई है ISI मार्के के जी, वो सब कुछ मिला के पड़ेगा सर 34,000 रुपए। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर आप चाहो तो ये 3 HP की मोटर ले सकते हो, आप चाहो तो 2 HP क्रोमटन की मोटर भी ले सकते हो इसी रेट के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, अब सर मैंने बताया वीडियो के अंदर कि छोटे किसानों के लिए और चाप कटर मशीन दिखाई है आप। बिल्कुल जी सर, हमने छोटे किसानों के लिए एक मॉडल तैयार किया है जी, इसमें हमने गियरबॉक्स लगाया है। अच्छा, तो सर ये किसानों के लिए बहुत ही शानदार मशीन होने वाली है जी, क्योंकि सर बहुत से किसान भैया उनके पास 2 जानवर 3 जानवर होते हैं फिर भी उनको गियर वाली मशीन चाहिए जी, तो बड़ी मशीन जो अपने पहले रिव्यू किया है तो वो मशीन उनको कॉस्ट पड़ती है। बिल्कुल, उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने छोटे किसानों के लिए बहुत ही शानदार मॉडल निकाला है। अच्छा, जिससे किसान भाई कम पैसों के अंदर गियर वाला मशीन यूज कर सकता है जी। इस मॉडल को मैं देख रहा हूँ, बहुत ही शानदार मॉडल मुझे लग रहा है, बहुत ही इसके ब्लेड बड़े तीखे हैं, अच्छे ब्लेड हैं, 2 ब्लेड के साथ है ये सर। बिल्कुल सर, इसके बारे में बताइए सर। सर इसमें भी 13 इंच का व्हील है जी, सर इसमें भी 8 mm का ब्लेड है जी, कहने का मतलब छोटे किसानों के लिए हमने अच्छा मॉडल तैयार किया जिससे किसान भाई में आसानी से इसको यूज कर सकता है जी। जो बेरिंग हमने यूज किया है, जो बड़ी मशीनों में जो बेरिंग लगे हुए हैं, वही बेरिंग सर इसके अंदर लगे हुए हैं। अच्छा, जिससे किसान भाई को डबल फायदा है सर। अच्छा, एक तो सर गियरबॉक्स से क्या है कि माल रिटर्न कर सकता है, दूसरी बात किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होगी सर इस मशीन के अंदर। बिल्कुल सेम क्वालिटी वैसे वैसे ही है। बिल्कुल सर सेम क्वालिटी है, ओनली फॉर हमने इसका साइज छोटा किया हल्का सा, और गियरबॉक्स सर वही है, जो गियरबॉक्स इसमें लगा हुआ है, गियरबॉक्स इसमें लगा हुआ है सर। अच्छा, ये कितने पशुओं तक सर काम करेगा? सर ये आराम से 40 पशु के अंदर अंदर, कितने पशु हो जाए, 5 पशु हो, 10 पशु हो, 20, 30, 40 पशु, तो आराम से काम करेगा। इसकी क्या कॉस्ट है सर? सर ये मशीन विद मोटर आपको पड़ेगी 24,000 रुपए में कंप्लीट। 24,000 रुपए कंप्लीट सर। अच्छा, 3 HP की मोटर के साथ। अब सर हम तीसरे मॉडल के बारे में बात करते हैं आपके, ये बड़ा शानदार ये मॉडल मुझे लग रहा है, इसके बारे में सर जानकारी दीजिए। सर ये ब्लोअर मॉडल में है जी। सर इसके अंदर हमने
थोड़ा सा चेंज किया है जी। इसके अंदर हमने क्या किया है जी, जो अंदर व्हील है जी वो हमने 13 इंच किया है। अच्छा। और इसमें हमने 2 ब्लेड किया है। अच्छा अच्छा। जिससे किसान भाइयों को ये बेनिफिट भी है कि अगर मान लीजिए किसान भाई 3 ब्लेड का मशीन यूज नहीं करे, उसको 2 ब्लेड का मशीन चाहिए। अच्छा। तो हमने 2 ब्लेड का मॉडल तैयार किया है और इसमें किसान भाइयों को 3000 रुपए का फायदा है सर, इस मशीन से, इस मशीन के अंदर। और सर मैं जैसे ये बड़ा वाला मॉडल में इसमें आरपीएम है, इसमें आरपीएम अंतर है क्या? कुछ बिल्कुल सर कुछ भी अंतर नहीं है, सेम टू सेम आरपीएम है, सेम टू सेम गियरबॉक्स है सर। ओनली फॉर हमने व्हील छोटा किया। ओनली फॉर आरपीएम कितने सर इनके मॉडल के? सर 1440 आरपीएम आते हैं मोटर के और 350 इसमें चक्कर आते हैं। अच्छा अच्छा में। अच्छा अच्छा। और सर इसकी कीमत की बात करते हैं हम, इसकी कीमत कितने रहने वाली है? सर इसकी कीमत की अगर बात करें 3 HP मोटर के अंदर ISI मार्के के अंदर तो 19,000 रुपए सर इसकी कॉस्ट है। 29,000 रुपए। बिल्कुल सर। अब सर जैसे कि हम आपका ये इधर चौथा मॉडल देख पा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। जो है सर ये जो मॉडल है जी ये प्लेट मॉडल के अंदर हैवी मॉडल में। अच्छा। इसमें हमने 3 ब्लेड का ये मॉडल तैयार किया है। अच्छा। जो पहला मॉडल था जी ये उसे वही मॉडल है जी। इसमें हमने प्लेट लगाई है 20 इंची लंबी लोहे की प्लेट है, इसमें कोई कट नहीं है। सर ये जो ये मॉडल चल रहा था ये पहले यही मॉडल चलता था। अच्छा। वो तो हमने मॉडल लेटेस्ट तैयार किया हाँ। पहले ये मॉडल चलता था सर जो बड़े किसान बिल्कुल जो बड़ी डेयरी फार्मिंग वगैरह। बिल्कुल सर। अच्छा अच्छा। वो वैसे सेम ही है? बिल्कुल सेम। कॉस्ट क्या रहने वाली सर? इसकी कॉस्ट, उसकी कॉस्ट में कोई फर्क नहीं है जी। आप चाहो प्लेट वाला ले सकते हो, आप चाहो तो कट वाला ले सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। अब सर हम बात करते हैं इसके जो है, जैसे कि कुछ किसान भाई हमारे ऐसे होते हैं वहाँ पर बिजली का सिस्टम नहीं होता बिल्कुल, और वो जो अपना ट्रैक्टर से ही काम कराना चाहते हैं। मैं बड़ा शानदार ही आपका ट्रैक्टर माउंटेड बिल्कुल चाप कटर मशीन देख पा रहा हूँ सर, इसके बारे में खूबियां बताइए, क्योंकि बिल्कुल ये अलग दिया गया हमारे ट्रैक्टर पर जोड़ने के बाद में बढ़िया काम करेगा ये जी। सर ये जो किसान भाई सूखा चारा काटना चाहते हैं, अच्छा बड़े ट्रैक्टर को बुलाने की सारी समस्या खत्म करना चाहते हैं जी, सर उसको देखते हुए मॉडल तैयार किया है जी। ये लिफ्ट मॉडल है, आप इसको आराम से कहीं भी उसे ट्रैक्टर से उठा के कहीं भी ले सकते हो जी। इसमें जोन सिस्टम है। अच्छा। और इसमें गियरबॉक्स है, सब सुविधा इस मशीन के अंदर है सर। सेम बिल्कुल जो है? बिल्कुल सर। अच्छा। तीन सर इसमें भी 3 ब्लेड है। अच्छा अच्छा। आप देख सकते हो बिल्कुल ये खुलने वाला, ये बिल्कुल सर 20 mm का इसमें व्हील है। हाँ, बिल्कुल 20 इंची लंबाई है, कट वाला है जी। इसे किसान भाई कितना चारा आसानी के साथ काट सकता है सर। जो हमारा लेटेस्ट मॉडल है उसी के मुकाबले बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम मॉडल है सर। अच्छा। इसमें हमने ट्रैक्टर माउंटेड इसको मॉडल तैयार किया है बिल्कुल, जो ट्रैक्टर पे जुड़ जाएगा बिल्कुल सर, जॉइंट सिस्टम है सर। बिल्कुल सर। इसकी क्या कीमत रहने वाली है? सर ये मशीन किसान भाइयों को पड़ेगी 30,000 रुपए की सर। 30,000 रुपए की? बिल्कुल सर। अब सर देखो मैं लड़ता हूँ किसानों के लिए, और आप भी किसान के बेटे हो बिल्कुल सर, और आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि जो है अपनी बहुत शानदार फर्म चला रहे हो बिल्कुल सर। अब सर ये बताइए कि मेरा किसान छत्तीसगढ़ से लेता है जैसे, या उड़ीसा से लेता है, या यूपी से लेता है, एमपी से लेता है, तो आप उन्हें कुछ मेरे माध्यम से कुछ राहत करोगे या नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपके माध्यम से जो हमें फोन करेगा, जो हमें बताएगा कि हमने टेक्निकल तेजस्वी किसान के थ्रू फोन किया है, तो हम उस किसान भाइयों के लिए बिल्कुल फ्री डिलीवरी करेंगे सर। मतलब कोई उसका कोई किराया नहीं लगेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल फ्री चार्ज है सर। बिल्कुल फ्री चार्ज? बिल्कुल सर, फ्री चार्ज के अंदर हमने किसान भाइयों को मशीन, ये कमेंटमेंट कर रहे हो आप वीडियो के माध्यम से? बिल्कुल सर, वीडियो के माध्यम से। अच्छा, फ्री डिलीवरी है सर। अब मेरा किसान भाई जैसे आपकी कंपनी में कभी कोई आना चाहता है, उसे अपना पता बताइए और किस प्रकार से ले सकता है, बुकिंग अमाउंट क्या रहेगा सर? मेरा फर्म है राम एग्रो इंडस्ट्रीज, कोटा रोड, केकड़ी जी, जिला अजमेर, राजस्थान जी। आप किसान भाई हमसे बात कर सकते हैं जी, हम उसको अपना एड्रेस भेज देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए किसान भाई को। सर मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9057297421। अच्छा, इन नंबरों पे किसान भाई संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल सर। जैसे मान के चलो अपना बड़ा मॉडल ये लेटेस्ट मॉडल जो है बुकिंग कराना चाहता है किसान, बुकिंग अमाउंट आना नहीं चाहता आपकी कंपनी में, ऑनलाइन लेना चाहता है, तो उसे बुकिंग अमाउंट क्या अमाउंट के लिए किसान भाई जो मेरी फर्म है राम एग्रो इंडस्ट्रीज, जो करंट खाता है बिल्कुल जी, उस करंट खाते के किसान भाई आराम से बुकिंग करा सकता है जी, उसमें उसको कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है सर। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर जैसे कि आपने बताया ISI मार्क का मोटर के साथ हमें जो ये इंक्लूड हमारी जो ये चाप कटर मशीन है, ये 34,000 रुपए की आपने बताई। बिल्कुल सर। कोई किसान भाई ISI मार्क का मोटर के साथ नहीं लेना चाहता, दूसरा मोटर मतलब जो उसमें मोटर लेना चाहता है दूसरी कंपनी की, उसे कितनी कॉस्ट में पड़ेगी? सर उसके अंदर आती है उषा 3 HP की मोटर। सर उस कंपनी की अगर मोटर लेता है जी, तो उसमें सर कॉस्ट पड़ेगी 3,000 रुपए कम जी, 31,000 रुपए की मशीन पड़ेगी। इसमें हम किसान भाइयों को जो आपके थ्रू फोन करेगा उसमें हम फ्री डिलीवरी करेंगे सर जी, 31,000 रुपए में पड़ेगी। अब सर जैसे क्या और ये हमारी चाप कटर मशीन है पांचों में आता है, उसमें इतनी रकम कम हो जाएगी? 3,000 रुपए कम होना सर। अच्छा, 3,000 रुपए कम? बिल्कुल सर, जो हमने रेट दी है किस अलग अलग मॉडलों की जी, उसमें 3,000 रुपए कम हो जाएगा सर। डिलीवरी तो फ्री है आपकी? वो सर हम जो किसान भाई आपके थ्रू फोन करेगा हाँ, उसके लिए हमने डिलीवरी बिल्कुल फ्री कर रखी है सर। अच्छा जी, अच्छा हैं। बिल्कुल सर। तो सर किसान भाइयों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आप किसान के बेटे हो और किसान आप पे विश्वास करता है, तो दोस्तों आपने आज देखा कि इतनी शानदार ये चाप कटर मशीनें किसी इन्होंने दिखाई,
और आपको मैं ऐसे ही आने वाले समय के अंदर बहुत ही शानदार वीडियो दिखाऊंगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।